हाँ, राहुल रवेल जैसे फिल्मकार तो बहुत कम है भारत में, इंडिया में। परफेक्शन एंड एडियरिंग टू द स्क्रिप्ट, नो सबप्लॉट्स, नो फिल्दी कॉमेडीज, ऑलवेज गोइंग टू द कोर ऑफ द स्क्रिप्ट, परफेक्ट कैरेक्टराइजेशन, ग्रेट एंगल्स, ग्रेट कैमरा वर्क, एवरीथिंग एवरीथिंग अप टू द मार्क, वेरी रेयर। आई थिंक ही वॉज द बॉस in the early 80s. Great, great movies, great action scenes. Yeah, you can see this bicycle chase by Sunny Deol. He is running after the car of the villains and then he drags the man on the road, and all these shots, a little bit of unrealistic maybe you will feel, but jaise unhone picturized kiya hai, that is what was called dynamic narration of the script. You can just see, and in the beginning there is a shot of Sunny Deol just looking at the marriage ceremony, the what he has made possible. ये वो सिर्फ देखता है, उसकी आँखों में प्यार है, एक जुनून है, उसकी बहन की शादी को देखता है, and then the shot goes to that dynamic shot, dynamic scene of the bicycle chase by Sunny Deol. So you can see two different moods of the persona of of Arjun Malvankar. उसके अंदर एक जुनून है, उसकी बहन जो सौतेली बहन उसके लिए एक प्यार है, और उसके बाद जो विलन उस पर अटैक करते हैं, यू कैन सी दैट एंड हाउ ही उसका जस्ट सी द सीन. या हेलो नो भाई, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो तो ऊपर बिल्डिंग में है, कहो तो जाकर फ्लैट में घुस जाए. अरे इंतजार करो, वो निकलेगा. और सुनो, रिवॉल्वर पर साइलेंसर होना जरूरी है, वरना पहली गोली चलते ही सड़क पर ऐसी भगदड़ मचती है कि आदमी कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चलता. अच्छा नो भाई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन जाकर अपने मालिक त्रिवेदी से कहना कि अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा.